नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अपने YouTube चैनल में। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग 2022 के द्वारा जो है वो लैब टेक्नीशियन के लिए जो है वो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, और ये जॉब होने वाला है वो फुल्ली गवर्नमेंट जॉब होने वाला है। वहीं अगर हम इसमें पद की बात करें तो इसमें जो टोटल पद अवेलेबल है वो 2900 से भी अधिक जो पद है वो खाली है, जिनको कि अभी भरा जाना है। वहीं इसकी आयु सीमा की बात करते हैं और अंतिम तिथि के बारे में, साथ ही इसके इंपॉर्टेंस डेट के बारे में, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है, एप्लीकेशन फी क्या लग रही है, तो सारा कुछ इस वीडियो में जो है वो डिटेल्स में बताया जाएगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर जो है वो प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले जो है वो आपको बताया जाए। तो चलिए वीडियो को जो है वो डिटेल्स में जानते हैं। तो ये जो वैकेंसी होने वाली है ये उत्तर प्रदेश की होने वाली है, और अगर हम इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसमें जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 21 जनवरी 2022 से जो है वो शुरू हो चुका है। वहीं इसकी लास्ट डेट की बात करें तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 फरवरी 2022 रखी गई है। एग्ज़ाम डेट जो है वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। वहीं एडमिट कार्ड जो है वो आपको 10 दिन पहले ही दे दिया जाएगा एग्ज़ाम से पहले। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो SC ST OBC या जनरल किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल ही जीरो रखा गया है एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि फ्री में जो है ये अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। वहीं इसके अलावा हम बात करें कि इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश की जो टोटल पोस्ट है इसमें जो वो कितनी है, मिनिमम एज क्या रखी गई है, मैक्सिमम एज क्या रखी गई है, तो इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो जो है उत्तर प्रदेश की वो 2980 पोस्ट जो है अवेलेबल है, मिनिमम एज कुछ भी नहीं है। वहीं मैक्सिमम एज की बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 40 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं बात करें कि क्या इसमें एज की भी छूट दी जाएगी, तो जी हाँ बिल्कुल दी जाएगी एज़ पर रूल, ठीक ना। वहीं इसके अलावा बात कर लेते हैं कि इसमें जो है वो कौन कितने पोस्ट हैं, कितने पोस्ट नेम क्या होने वाला है, टोटल पोस्ट कितने होने वाला है, और जो है अदर पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। तो इसमें ब्लड बैंक की जो वैकेंसी है उसमें लैब टेक्नीशियन के लिए 64 होने वाला है, BCB के लिए 15 होने वाला है जो कि लैब टेक्नीशियन के अंदर ही आता है, BSU के लिए 91 वैकेंसीज होने वाला है। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे सॉरी कम्युनिटी प्रोसेस के लिए जो होने वाला है इसमें लैब टेक्नीशियन के लिए 1665 वैकेंसी है जो कि सबसे ज़्यादा है कम्युनिटी प्रोसेस में। NPPCF में लैब टेक्नीशियन के लिए 4 है, NCPTC में 224 वैकेंसी अवेलेबल है, और इस तरह करके जो है वो बहुत सारे में बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो अवेलेबल है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि किसके लिए क्या जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। ब्लड बैंक, BCTB सब के लिए जो डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी चाहिए, MLT का कोर्स होना चाहिए पैरामेडिकल से, 10+2 इंटरमीडिएट साइंस होना चाहिए विद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी या अदर में। अगर किन्हीं ने भी पैरामेडिकल का कोर्स किया तो वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर सीनियर्स की बात करें तो इनके लिए क्या चाहिए, जैसे कि सीनियर LT सब के लिए हो गया, सीनियर LT IRL के लिए हो गया, तो उनके लिए MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी अप्लाइड चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री चाहिए, BSc माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज जो है वो चाहिए इस कोर्स के लिए। वहीं NUHM की जो लैब टेक्नीशियन की UPHSC है, वहीं लैब टेक्नीशियन के UCSC के लिए जो है डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT सब के लिए चाहिए, यानी कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो MLT कोर्स की है। जी हाँ, अगर आपने MLT का कोर्स किया है पैरामेडिकल से तो आप इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकते हो। जी अगर आपने MLT का कोर्स किया है तो बहुत सारे पोस्टेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये वहीं BSc माइक्रोबायोलॉजी, MSc जैसे कोर्सेज में बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जैसे भी अगर आपने कोर्स किया है तो आप इस पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दो।